अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ हरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको कवे की सोच के बारे में बताएंगे और उसे उसे हम अपने ऊपर भी करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में कौवा रहता था जो बहुत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। कई किस्मों के खाने खाता और शाम को एक सब्ज़ दरख्त पर जाके शाम बसर कर देता। एक दिन वो सुबह उड़ता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर पर पड़ी और उसे वो देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि मैं तो काला हूँ और ये कितना सफ़ेद है और ये कितनी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होगा। वो उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है और कहता है कि तुम कितने सफेद हो, तुम अपनी जिंदगी को कितना एंजॉय कर रहे हो। वो कहने लगा मैंने भी पहले यही सोचा था कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। फिर मैंने एक तोते को देखा जिसमें दो रंग हैं और मैंने देखते ही ये सोचा कि मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है और वो दो रंगों वाला तोता अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय कर रहा होगा। अब कवे ने उस कबूतर को छोड़ा और तोते के पास चला गया और तोते से जाके पूछने लगा ए भई तोते, तेरे पास दो रंग हैं तो कितनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होगा। तोता एकदम चुप कर गया और कहने लगा ये मैं पहले सोचता था लेकिन अब नहीं। मैंने जब से मोर को देखा है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास सिर्फ दो रंग है लेकिन मोर तो कई रंगों में छुपा हुआ है। अब कवे ने उस तोते को छोड़ा और मोर के पास चला गया। मोर एक पिंजरे में कैद था। कवा एक दरख्त पर जाकर बैठ गया। कुछ लोग मोर को देखने आए हुए थे। जब वो देखकर चले गए तो कवा उड़कर उस पिंजरे के पास गया और कहने लगा ए मोर, तू कितना खुश नसीब है कि तेरे पास इतने रंग हैं, तो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होगा। मोर कहने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। उसने कहा फिर क्या है कि तुम इतने खूबसूरत हो और तुम अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे। मोर कहने लगा मैं ये पहले सोचता था कि मैं एक खूबसूरत परिंदा हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अपनी आजाद जिंदगी बसर नहीं कर रहा, मैं पिंजरे में कैद रहता हूँ। मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये सोचा है कि कवा एक ऐसा परिंदा है जो चिड़ियाघर में नहीं होता। कवे के दिल में आया कि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी अपनी जगह पर कुदरत ने सबको अच्छा बनाया है। अगर हम अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करें तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि हम जब अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमें सब कुछ खुशी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत सबक मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह।